हम लोग बात करते हैं एनएस की, तो एनएस ये फुल्ली कंडीशन में है। तो बात करते हैं आज अपाची की। अब हम लोग बात करते हैं रॉयल एनफील्ड की, तो ये कब की मॉडल है। और बात करते हैं अप्रिला की, करते हैं जुपिटर की, तो अब यामाहा ZR की बात करें। अब हम लोग बात करते हैं अप्रिला की, तो ये अपनी एंट्रो की बात करते हैं, तो ये अब हम लोग बात करते हैं होंडा की एक्टिवा की। इतना सारा कलेक्शन आपके पास गोडाउन में है। मेरे पास अभी कम से 45-50 गाड़ियां हैं। हेलो मेरा दोस्त, मैं कबीर खान, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने स्कैन ज्ञान ट्यूब चैनल पे। तो मैं आज आया हूं इम्तियाज मोटर्स में, और यहां पर हमारे भास्कर भैया हैं जो कि इम्तियाज मोटर के मेन मैनेजर हैं। तो हाय भास्कर भैया। हाय। तो सबसे पहले ये आप बता दीजिए कि यहां पर का शुरुआती प्राइस क्या है, और स्कूटी के और शुरुआती प्राइस क्या है बाइक्स के। 16,000 से स्टार्टिंग है स्कूटी। और बाइक्स की क्या स्टार्टिंग प्राइस होने जा रहे हैं। 32,000 वो मात्र स्टार्टिंग प्राइस स्कूटी का 16,000 रुपया, 15,000 रुपया से शुरू है, और बाइक्स का आपका जा करके 32,000 रुपया से शुरू है। तो आगे वीडियो में आप देखें, हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करके आएगा उसे आप क्या डिस्काउंट देने वाले ये भी बता दें। आपके थ्रू जो भी आएगा वो कंसेशन दिया जाएगा यहाँ पे। कितना कंसेशन दिया जाएगा? 1,000 से 2,000। यानी कि आप जो डिस्काउंट करते हैं रेट तोड़ मोड़ के बाद भी डिस्काउंट दीजिएगा। हाँ, उसके बाद भी देंगे। और भास्कर भैया, आज हमारे दर्शकों को आप क्या दिखाने जा रहे हैं, नॉर्मल बाइक्स और स्पोर्ट्स बाइक में क्या क्या दिखाने जा रहे हैं? नॉर्मल बाइक में आपको पैशन प्रो ही 32,000 वाले दिखाएंगे, और स्पोर्ट्स बाइक में क्या स्पोर्ट बाइक में आपको दिखाएंगे वही NS 160 और अपाची और पल्सर वगैरह। आप उनका प्रॉपर एड्रेस बता दें। हम लोग का एड्रेस है राजेंद्र चौक से एक रोड घुसी हुई है चर्च के लिए, और चर्च के बाजू में हम लोग का शॉप है। यानी कि ओवर ब्रिज, मेन रोड, जो मेन रोड के बाद जो ओवर ब्रिज पड़ता है, ओवर ब्रिज के बाद ही में राजेंद्र चौक है, ओवर ब्रिज जहाँ पर खत्म होता है वहाँ पर से कब्रिस्तान के लिए या चर्च के लिए जो रास्ता पार होता है लेफ्ट साइड में, उसी रास्ते में ये आपका इम्तियाज मोटर पड़ता है। तो आप इम्तियाज मोटर में आइए जरूर। चलिए ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसे बात करते हैं आज अपाची की, तो ये अपाची कब का मॉडल हुआ भास्कर भैया? 2018 का। और ये इतना गंदा है, इसका क्या कारण है? अभी ये वाश नहीं हुआ इसलिए गंदा दिख रहा है। ये क्या रखी हुई गाड़ी में से है? हाँ, रखी हुई थी। यानी कि ये टानी हुई गाड़ी, जो यहाँ पर खींची हुई गाड़ी आती है बैंक द्वारा, तो उसी में से एक है क्या? वो गाड़ी नहीं है, एक्सचेंज वाली है। कोई सर का गाड़ी था, ये यूज नहीं हुई है, ये गाड़ी रखा हुई थी। और ये बहुत दिन से रखी हुई गाड़ी थी इसलिए थोड़ा गंदी है, लेकिन अगर आप इसको वाश करवा देंगे तो इसके फुल्ली कंडीशन में है ये। और इसकी व्हील की बात करें तो ये इसका व्हील कितना कंडीशन में है, टायर कितनी परसेंट बची हुई? 95%। और इसकी कंडीशन की बात करें तो ये बहुत वेल कंडीशन में। इसकी प्राइस की बात करें तो 65। और ये कब की मॉडल है? 2018 की मॉडल। मात्र ये 2018 की मॉडल है अपाची। अभी आप लेने जाइएगा तो आपको कितना पड़ जाएगा नया में? नया में आपको 1,25,30 पड़ जाएगी। सोच सकते हैं कि 1,25,30 रुपये नया में पड़ जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ 60,000 रुपया पड़ रहा है। और चली हुई की बात करें तो भैया 30,000 चली है। मात्र ये 30,000 चली हुई। चलिए अब हम लोग आते हैं इसकी ओर, आप लोगों को NS दिखाएंगे, उसके बाद हम बात करते हैं NS की। तो NS ये फुल्ली कंडीशन में। तो भास्कर भैया, ये कब की मॉडल हुई? ये 2018 की मॉडल है। और ये कितना चली हुई है? चली हुई है आपको 22,000। मात्र 22,000 किलोमीटर चली हुई। और इसकी प्राइस आप लोगों ने कितना रखा है? 75,000 रुपये। ओनली 75,000 रखा है। ये NS 160 आपको मात्र 75,000 मिलने जा रहा है। इसकी मॉडल की बात करें तो भास्कर भैया 2018 की मॉडल है। वो 2018 की मॉडल है। और ये ओनर की बात करें तो इसकी? फर्स्ट ओनर। तो सोच सकते हैं, और ये किसी तरह का लड़ी भिड़ी या टकराई हुई गाड़ी में से या एक्सीडेंटल बाइक में से तो नहीं है? एक्सीडेंटल बाइक नहीं है। और इसकी इंजन की वर्क की बात करें तो? इंजन में कोई वर्क काम नहीं हुई है कोई बार। अच्छा, एक बात हम लोग पूछना चाहते हैं कि नाम ट्रांसफर में आप लोग कितना टाइम ले लेते हैं? 25 दिन। मात्र 25 दिन में आपका नाम ट्रांसफर करके मिले। अगर कोई गाड़ी लेने के लिए आता है तो उसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाना पड़ता है? बहुत सारे दर्शकों के ये सवाल रहता है। आधार कार्ड का जीरोक्स चाहिए और दो फोटो चाहिए। और अदर स्टेट से अगर कोई गाड़ी लेने आता है लोकल के अलावा, तो उसको क्या 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 करना पड़ेगा? उनके लिए लोकल रेफरेंस लगेगा। यानी कि आपको अगर लोकल है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप अदर स्टेट से आप हैं तो आप लोगों को लोकल का रेफरेंस लगेगा, तभी आपको यहाँ से गाड़ी दी जा सकती है। तो अब हम लोग बात करते हैं रॉयल एनफील्ड की। तो ये मॉडल, और ये कितना चली हुई है? ये चली हुई है आपको कम से कम 40,000। मात्र 40,000 किलोमीटर चली हुई। और इसकी प्राइस की बात करें तो क्या होगा? 75,000 रुपये। और इसकी प्राइस 75,000 होने वाला। तो इसके टायर की बात करें तो इसका टायर कितना अभी बचा हुआ? 85% बची हुई है। और तो आप देख सकते हैं टायर, और इसके गाड़ी की भी कंडीशन थोड़ा दिखा दें इसको थोड़ा सा अच्छा से। और
इसका और ये बहुत ही ज्यादा कंडीशन में, स्क्रेच भी नहीं नजर आ रहा, और मात्र इसका कॉस्ट आप कितना रखे हैं? 75,000 में आपको मिलने जा रहे हैं रॉयल इनफील्ड, और वो भी मॉडल कितना है? 2014 मॉडल। तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ स्कूटी की। तो अभी जो बहुत सारा वीडियो बन चुका है स्कूटी का, तो अभी जो नया कलेक्शन स्कूटी का आया है, तो ये सारा नया कलेक्शन है क्या? हाँ, नया कलेक्शन है। और यानी कि आपका दीपावली के बाद जो बाइक आपका खत्म हो गया, तो उसके बाद अभी नया सारा कलेक्शन आया हुआ है ना? नहीं, यही सर। ये कौन सा मॉडल हुआ? 2019 की मॉडल है ये, एक्सिस 125 है ये। एक्सिस 125 है, ये 2019 की मॉडल है। और इसकी प्राइस की बात करें तो 55,000 रुपये। और ये चला हुआ कितना है? 19,000 किलोमीटर। मात्र 19,000 किलोमीटर चला हुआ है। और इसकी टायर की बात करें तो? टायर अभी 90% बची हुई है। और इसकी ओनर की बात करें तो? फर्स्ट ओनर है। अच्छा, यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ हैं, इसमें किसी तरह का कोई इंजन में खराबी तो नहीं मिलने जा रहा? नहीं, फॉल्ट नहीं मिलेगी। तो अच्छा, स्कूटी की बात करें तो यहाँ पर स्कूटी का स्टार्टिंग प्राइस कितना होने जा रहा है भास्कर भैया? 15,000 रुपये। और बाइक की बात करें तो बाइक का स्टार्टिंग प्राइस कितना होने जा रहा है? बाइक की स्टार्टिंग आपको 32,000 से दिखाएंगे। 15,000 की स्कूटी है, वो क्या कंडीशन में, अच्छा खासा कंडीशन में यहाँ पर मौजूद है या फिर अभी कहाँ है? अभी गोडाउन में रखी हुई है वो, अभी दिखा नहीं सकते हैं, बाद में दिखा देंगे कभी। अच्छा, अगर कोई लेने के लिए आते हैं तो उसके लिए क्या कीजिएगा? उसको दिखा देंगे वहीं गोडाउन ले जाके। कितना सारा कलेक्शन आपके पास गोडाउन में है? मेरे पास अभी कम से कम 45 से 50 गाड़ियां हैं अभी गोडाउन में रखी हुई। आप सोच सकते हैं यानी कि बहुत सारा माल इनके पास गोडाउन में अभी है। और बाइक की बात करें, जो 32,000 का जो बाइक है, उसका कंडीशन कैसा होगा? वेल कंडीशन है, पैशन प्रो है। पैशन प्रो मॉडल 2013 की, 2013 मॉडल, और वो भी वेल कंडीशन में आपको मिलने जा रहा था। तो अब हम लोग बात करते हैं होंडा की एक्टिवा की। तो ये प्रेस का गाड़ी मालूम होता है, और ये एक भी स्क्रैच नहीं नज़र आ रहा इस एक्टिवा में। तो ये कब की मॉडल हुई? 2018 की। ये 2018 की मॉडल एक्टिवा हुई। तो और इसका प्राइस कितना आप लोग ने रखा? 48,000 रुपये। मात्र 48,000 रुपये रखा। और इसका चले हुए की बात करें तो ये कितना चला हुआ है? 30,000 चली हुई है, यानी कि ये 30,000 किलोमीटर चला हुआ है। और इसमें आप देख सकते हैं किसी तरह कोई खर्च उर्च तो नहीं है? कोई खर्च नहीं है, तेल भरिए चलिए। 48,000। अगर आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आता तो उसके लिए क्या करेंगे आप? आपके थ्रू जो यूट्यूब में देख के आता है उसके लिए कॉन्सेशन जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तो उसके लिए आप कॉन्सेशन करेंगे, है ना? फिलहाल अब हम लोग बात करते हैं एंट्रो की बात करते हैं। तो ये कब का मॉडल हुआ एंट्रो? 2019 की है ये। और इसकी चली हुई की बात करें तो? चली हुई 26,000 किलोमीटर चली। अच्छा, यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ हैं सब क्या फर्स्ट ओनर है या सेकंड ओनर? सारे फर्स्ट ओनर मिलेगी मेरे यहाँ। अच्छा, कोई लड़ी भिड़ी हुई गाड़ियाँ या फिर एक्सीडेंटल गाड़ियाँ या फिर किसी तरह का कोई खराब गाड़ी जिसमें कोई प्रॉब्लम हो जो सॉल्व नहीं हो सके, वैसा कोई गाड़ी? वैसा एक्सीडेंटल गाड़ी आपको यहाँ से मिलेगा ही नहीं। तो यानी कि आप पूरा फ्रेश गाड़ी रखते हैं? पूरा फ्रेश गाड़ी। तभी यहाँ पर दूर दूर से सब लोग बाइक लेने के लिए आते हैं, यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, यहाँ पर का एड्रेस जानते हैं नहीं जानते हैं तो पूछ करके आते हैं। लेकिन इम्तियाज मोटर में आना इसलिए पसंद करते हैं लोग कि यहाँ पर किसी तरह की गाड़ी जिसमें कि किसी तरह का ऐसा फॉल्ट जो कि ठीक ना हो सके, वैसी गाड़ी ये लोग नहीं बेचते हैं। और दूसरी लड़ी भीड़ी हुई गाड़ी या एक्सीडेंटल गाड़ी ये लोग तो रखते ही नहीं हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं इसकी प्राइस की भैया। 58,000 रुपये। तो इंट्रो का प्राइस हुआ 58,000 रुपया। और कब की हुई? 2019 मॉडल है ये, 2019 मॉडल हुई। तो अब हम लोग बात करते हैं अप्रीला की। तो ये अप्रीला तो बहुत जानदार एकदम है और बहुत ज़्यादा कंडीशन में है। तो इसकी टायर की बात करें तो इसका टायर बहुत ज़्यादा ग्रिप है। तो ये कब का है गाड़ी? ये 2020 की गाड़ी है ये। ओहो, इसीलिए इतना ज़्यादा कंडीशन में है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि इतना ज़्यादा कंडीशन में है, यानी कि ये 2020 की गाड़ी। इसकी प्राइस कितना आप लोग ने रखा? 65,000 रुपये रखे हैं कीमत। तो ये कितना चला हुआ है आखिर? चला हुआ आपका 25,000 से ले लिए। मात्र 25,000 किलोमीटर चला हुआ। ये गाड़ियां तो यहाँ फर्स्ट ओनर है, तो इसको तो आप पूछने की भी जरूरत नहीं है। अब यामाहा ZR की बात करें तो यामाहा ZR की भी टायर की सबसे पहले बात करते हैं। टायर का ग्रिप इसमें बहुत ज्यादा हमको अच्छा लग रहा है, फुल्ली ग्रिप में है। तो अब इसकी टायर कितनी परसेंट इसकी बची हुई है? 85% ईवी है। और इसकी में तो नो स्क्रेच है। ये गाड़ी कहाँ से, मतलब कि ये खींची उची हुई गाड़ी है या क्या है ये? ये खींची हुई गाड़ी नहीं, ये एक्सचेंज वाली गाड़ी है। एक्सचेंज करके शोरूम से दूसरा बाइक या स्कूटी ले जाते हैं वो गाड़ी आप... होता क्या है, बहुत सारा आदमी होता है कि एक साल डेढ़ साल रखे गाड़ी, फिर दूसरा कोई लॉन्च हुआ हम एक्सचेंज कर देते हैं, फिर दूसरा गाड़ी ले लेते हैं वहीं से गाड़ी रहती है। बहुत सारे शौकिया लोग होते हैं, एक साल चलाएं फिर नया गाड़ी लॉन्च हुआ फिर वो उसको खरीदे, फिर उसको एक साल चलाए फिर दूसरा गाड़ी लिए, इस तरह के जो लोग होते हैं उनकी गाड़ी में से ये एक गाड़ी है। तो अब इसकी यामाहा ZR की बात करें तो ये कितना चली हुई, कितना है ये चली हुई? आपको 29,000 चली है। और इसकी प्राइस की बात करें तो कितना आप लोग ने प्राइस? 40,000। और इसके इंजन में तो किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है।
और इसमें रेट तो कम हो जाएगा ना जो मेरा चैनल के थ्रू आएंगे? चैनल के थ्रू जो भी आएगा कम कर दिया जाएगा। कितना तक आप कम कर सकते हैं? आप तो बोल तो रहे हैं लेकिन कितना तक कम कर सकते हैं? कस्टमर से खुद पूछिएगा ना कि कितना कम करते हैं, आपके थ्रू जो भी आता है 2000-1000 रुपये अलग से कॉन्सेशन कर देते हैं। यानी कि प्राइस कम करवाने के बाद भी मेरा नाम लेने पर 1-2000 रुपये कम हो जाएगा? हाँ। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया बात है। हम लोग बात करते हैं जुपिटर की, तो ये कब का मॉडल हुआ भैया? 2018 की मॉडल है ये। और ये कितना चला हुआ भैया? ये चला हुआ आपका 18000, मात्र 18000 किलोमीटर चला हुआ है। और इसकी प्राइस की बात करें तो आपने कितना प्राइस रखा है? 48000। अच्छा, हम एक बात ये कहना चाह रहे थे, हमारे दर्शकों का भी ये सवाल रहता है व्यूअर्स का, कि इम्तियाज मोटर में जितनी गाड़ियां हैं सब इतनी ज़्यादा फ्रेश कंडीशन में है, एकदम विदाउट स्क्रैच मिलती हैं, आखिर उसका कारण क्या, आप लोग क्या सोच करके यहाँ पर इतना चकाचक गाड़ी? गाड़ी में हम लोग इसलिए ऐसा रखते हैं कि चमक धमक दिखेगा तब तो कस्टमर आएगा अपने पास, सही गाड़ी मिले उनको। यानी कि आपका सबसे मेन मकसद ये रहता है कि यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ कस्टमर को दी जाए वो वेल कंडीशन में हो, तभी कस्टमर दोबारा आए ना? दोबारा आए। यानी कि देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर इम्तियाज मोटर में, कस्टमर दोबारा आया, एक ले जाए तो अपने फ्रेंड को लेके आए, या किसी को भी लेना हो तो उसको बताए कि यहाँ पर इम्तियाज मोटर में अच्छी गाड़ियाँ मिलती है। बस इसी वजह से इम्तियाज मोटर कम प्राइस में अच्छी गाड़ियाँ प्रोवाइड करती है, अपने कस्टमर को सर्टिफाइड करती है, ताकि आप अगर यहाँ से गाड़ी ले जाएँ तो दोबारा यहीं लौट के आएँ, कहीं और ना जाएँ, यही कहना चाहते हैं। एक सर्विसिंग तो फ्री रहता है मेरे यहाँ। पहली वीडियो में बता चुके हैं कि फर्स्ट सर्विसिंग जो रहता है इम्तियाज मोटर में ये लोग फ्री देते हैं, प्लस के रेट भी जो आपको बताया जा रहा है वीडियो में उसमें भी कुछ कॉन्सेशन हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा। और मेरे चैनल को थ्रू आइएगा तो कॉन्सेशन के बाद 1-2000 रुपया अतिरिक्त डिस्काउंट कर दिया जाएगा ना एकदम। ये 18000 चली हुई है और मात्र 48000 रुपया मिल रही है। और इसकी टायर की बात करें तो थोड़ा टायर दिखा दो। 89% टायर बची हुई है अभी। 89% टायर बची हुई है। और इसकी कंडीशन की बात करें तो ये एकदम स्क्रेच नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। और बात करते हैं अप्रिला की, तो ये कब का मॉडल हुआ भैया? 2018 की मॉडल है ये। और ये चली हुई की बात करें तो 20000, और मात्र 20000 किलोमीटर चला हुआ। और इसकी प्राइस आप लोगों ने कितना रखा है? इसका रखा है 55000। 55000 रुपया में आपको मिलने जा रहा है अप्रिला, वो भी 2018 मॉडल का, 20000 किलोमीटर मात्र चला हुआ। नया में कितना दाम होगा इसका? नया में 1,30,000 दाम है। 1,30,000 की स्कूटी आपको मात्र 55000 रुपये में मिलने जा रहा है। आप सोच सकते हैं इम्तियाज मोटर के बारे में कि कितने सस्ते में आपको कितनी अच्छी क्वालिटी की नॉर्मल बाइक से लेकर स्पोर्ट्स बाइक्स और स्कूटी प्रोवाइड करती है इम्तियाज मोटर बहुत ही कम दाम में। तो आप दूसरी जगह क्यों जाएं, इम्तियाज मोटर में क्यों ना आएं, अपनी राय कॉमेंट्स बॉक्स में देना ना भूलें। और इम्तियाज मोटर का जो एड्रेस है ये आखिर में हम आपको फिर से बता देना चाहते हैं, झारखंड की राजधानी रांची मैन रोड के पास जो ओवर ब्रिज है, उसको जैसे ओवर ब्रिज खत्म होता है वहाँ पर राजेंद्र चौक है, राजेंद्र चौक से जो लेफ्ट साइड में आप मुड़ते हैं चर्च के लिए, गिरजाघर यानी कि कब्रिस्तान भी वहाँ पर है, उसी के पास इम्तियाज मोटर है। वीडियो में भी आपको इसका नंबर मिल जाएगा, और आप आने में अगर किसी तरह कोई दिक्कत होगा तो भास्कर भैया को आप कॉल करके बोल सकते हैं, भास्कर भैया आपको जा करके वहाँ पर से रिसीव कर लेंगे। ठीक बोल रहे हैं ना, आप रिसीव कर लीजिएगा ना? ठीक है, डिस्प्ले में नंबर दिया हुआ है, नंबर से फ़ोन करें, हम लोग रिसीव कर लेंगे। तो भास्कर भैया इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। तो हमारे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, अपने भाई को अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, क्योंकि आप तो हमारे अपने हैं। एक साथ मैं कबीर खान अलविदा लेता हूँ, बाय बाय, टाटा।